समर इंटर्नशिप फॉर बी फार्म स्टूडेंट्स, बी फार्म स्टूडेंट जो लोग अभी बी फार्म कर रहे हैं उनके लिए समर इंटर्नशिप क्या हो सकता है, कौन कौन से सेक्टर्स है, कौन कौन से इंडस्ट्रीज है एंड कंपनीज है जहाँ से आप लोग समर इंटर्नशिप कर सकते हो। एक्चुअली समर इंटर्नशिप है क्या, इन शॉर्ट समर इंटर्नशिप वही है जो आप लोगों का दो सेमेस्टर रहता है, इवन और ऑड सेमेस्टर, तो सेमेस्टर के बाद जो इंटर्नशिप हम लोग करते हैं एक गैप रहता है वहाँ पे एक सेमेस्टर और दूसरे सेमेस्टर के बिटवीन, उसको हम लोग समर इंटर्नशिप उस टाइम को बोलते हैं, उसी को करते हैं। ऑल दो एक और को हम लोग विंटर भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं दोनों भी मीन कर रहा हूँ। तो कुछ ऐसे सेक्टर्स जहाँ से आप लोग कर सकते हैं समर इंटर्नशिप, सबसे पहला है हॉस्पिटल और कम्युनिटी फार्मेसी। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, एज ए हॉस्पिटल फार्मासिस्ट आप लोग इंटर्नशिप कर सकते हो किसी भी हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्राई करो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो एक्सपोजर आपको मिलेगी वो प्राइवेट में इतना नहीं मिलेगी, क्योंकि आप सबको पता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल अगर बहुत अच्छा हॉस्पिटल है तो ठीक है, लेकिन अगर प्राइवेट बहुत अच्छा हॉस्पिटल नहीं है तो उससे कोई इतना फायदा नहीं है, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल अगर आप लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल का करेंगे, ब्लॉक लेवल का भी करेंगे, इवन बेटर है अगर आप लोग मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो एसोसिएट है उन सारे हॉस्पिटल्स में से ट्रेनिंग करो या फिर इंटर्नशिप लो, ठीक है। अगर नहीं पॉसिबल है तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या फिर ब्लॉक हॉस्पिटल, अगर फिर भी पॉसिबल नहीं है तो, लेकिन उससे भी नीचे वाला जो हॉस्पिटल्स होते हैं लाइक हेल्थ सेंटर एक्सेट्रा, उनमें इतना फायदा नहीं है, ठीक है। मिनिमम ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, सेंट्रल लेवल होगा तो बहुत अच्छी बात है। कभी कभी आर्मी हॉस्पिटल्स एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो अनदर डिफरेंट हॉस्पिटल्स होते हैं लाइक एसिक हॉस्पिटल, टाटा हॉस्पिटल एंड डिफरेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, आर्मी हॉस्पिटल्स, यहाँ पे भी हो सकता है, रेलवे हॉस्पिटल, तो ट्राई करो जहाँ पे भी हो सकता है, जहाँ पे पॉसिबल है एज अराउंड यू, ठीक है। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट हम लोगों को करना है एक टाइम पे, हम लोग डी फार्म कर रहे हैं या बी फार्म कर रहे हैं नो मैटर, डी फार्म को हम लोग यहाँ पे छोड़ते हैं क्योंकि डी फार्म स्टूडेंट्स को ऑलरेडी करना पड़ता है एंड डी फार्म स्टूडेंट्स को वही जॉब है एक्चुअली। बी फार्म स्टूडेंट्स को बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप लोग हॉस्पिटल ट्रेनिंग आपके लिए मैंडेट नहीं है, एंड दिस इज ट्रू, आप सब हॉस्पिटल फार्मासिस्ट हॉस्पिटल ट्रेनिंग ना भी लो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आई वुड सजेस्ट पर्सनली कि हॉस्पिटल ट्रेनिंग मिनिमम वन मंथ का करो, ठीक है, अपने लाइफ में 15 days to 1 month, 15 days से नीचे का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल या गवर्नमेंट किसी भी सेंटर से या फिर एक महीने के लिए या 15 days के लिए तुम ट्रेनिंग लोगे एज ए असिस्टेंट फार्मेसी असिस्टेंट या फिर फार्मेसी इंटर्न, तो बहुत कुछ सीखने के मिलेगा। हमारा जो मेन पर्पस ही है वो है मेडिसिन को लेकर, ठीक है। मेडिसिन का मैन्युफैक्चरिंग तो हम लोग पढ़ रहे हैं थियोरिटिकल, और उसका प्रैक्टिकल भी हम लोग देखेंगे आगे चलकर डेफिनेटली, लेकिन जो हमारा मेन सब्जेक्ट है जो कि फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी में हम लोग पढ़ रहे हैं अबाउट द डोजेस एंड एक्सेट्रा, उनका जो एक्सपोजर है वो हॉस्पिटल में आके हम लोग को देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। ट्राई करो हॉस्पिटल ट्रेनिंग के लिए, बी फार्म स्टूडेंट्स को मैं सभी को कह रहा हूँ, मिनिमम 15 days का एक इंटर्नशिप करो हॉस्पिटल में, किसी भी हॉस्पिटल में, बहुत सिंपल प्रोसेस है, जस्ट आपको अप्लाई करना पड़ता है, डायरेक्ट HR से जाके बात कर सकते हो हॉस्पिटल में अगर पास में है तो, थोड़ा दूर में है किसी बड़ा हॉस्पिटल है तो डेफिनेटली यू कैन मेल टू द HR विथ योर CV, रिज्यूमे एंड एडिटोरियल लेटर लिख लेना एक कि मैं ऐसा ऐसा हूँ, मैंने ये किया है एंड मैं यहाँ पे एक इंटर्नशिप करना चाहता हूँ, मैं अभी यहाँ से कर रहा हूँ, ठीक है। इससे होगा क्या, इससे आपका जो नॉलेज है अबाउट मेडिसिन एंड देयर डोजेज एंड अबाउट द पेशेंट इंटरेक्शन, पेशेंट फार्मासिस्ट इंटरेक्शन, ये बहुत अच्छा होता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप लोग OPD में जॉब करोगे, OPD में आपका काम रहेगा, मतलब जो आउटर पेशेंट डिपार्टमेंट होता है, तो हम लोग पहले तो मेडिसिन का नाम जानेंगे, ब्रांड नेम्स जानेंगे यहाँ पे, उसके साथ उनका कॉम्पोजिशन जानेंगे, उनको कब लेना पड़ता है, ठीक है, क्या लेना या कब देना पड़ता है, मतलब उनका डोजेस, प्रॉपर टाइमिंग, प्रॉपर डाइट एंड द इंटरेक्शन बिटवीन यू एंड द पेशेंट, डिफरेंट एक्सपोजर, डिफरेंट डिजीजेस वाला पेशेंट आएंगे आपके पास, उनके साथ मतलब इंटरेक्शन होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी फार्मासिस्ट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है सेकंड की तरफ, तो है फार्मा इंडस्ट्री में इंटर्नशिप। फार्मा इंडस्ट्री में तो हम लोगों को बीफार्म में करना ही पड़ता है, ये एज अ मैंडेटरी है अभी फिलहाल, पहले नहीं था लेकिन अभी मैंडेटरी है, आपको अराउंड 30 days के लिए आपको इंडस्ट्री में ट्रेनिंग करना होगा या फिर इंटर्नशिप करना पड़ेगा किसी भी फार्मा इंडस्ट्री में, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग या क्वालिटी कंट्रोल या क्वालिटी एश्योरेंस जो भी डिपार्टमेंट्स होते हैं डिफरेंट, मेनली हमारा जो फोकस रहेगा आइदर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में देखेंगे या फिर क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, इन दोनों में से, मतलब क्वालिटी टेस्टिंग, इन दोनों में से किसी भी डिपार्टमेंट में हम लोग 15 to 30 days, आई थिंक मिनिमम 30 days करना चाहिए, ठीक है। 30 days का मिनिमम एक इंटर्नशिप आप लोग करो, ये भी बहुत सिंपल प्रोसेस है, और इंडस्ट्री में आप लोगों को पास तो नहीं मिलेगा, तो आपको जहाँ पे भी इंडस्ट्रीज एक्सपोजर ज़्यादा है ज़्यादा इंडस्ट्री वहाँ पे आप लोगों को अप्लाई करना होगा, लेकिन इंडस्ट्री के लिए आप लोगों को एक मैं टिप दे दूँ, आप लोग ग्रुप में जाओ, ग्रुप में ट्रेनिंग करो, इंटर्नशिप करो, बेटर रहेगा इंडिविजुअली करने से, लेकिन हॉस्पिटल ट्रेनिंग आप लोगों को इंडिविजुअली करना पड़ेगा, लेकिन एक हॉस्पिटल में ज़्यादा लोगों को नहीं लेते, ठीक है। इंडस्ट्री में आप लोगों को पूरा इंडस्ट्री घुमाएंगे, कैसे काम हो रहा है दिखाएंगे, ऑल्दो आपको करने नहीं देंगे लेकिन आपको पूरा एक्सपोजर मिलेगा, वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कैसे सिस्टम वर्क करता है, कैसे टैबलेट कैप्सूल मैन्युफैक्चरिंग जो भी है पूरा दिखेंगे आप लोग, ठीक है। इसका भी प्रोसेस बहुत सिंपल है, आप लोग को मेल करना पड़ेगा, सिमिलर प्रोसेस है, मेल का रिप्लाई अगर आता है तो, एंड ऑब्वियसली इन सारे केसेस जितने भी मैं कहूँगा आज इस वीडियो में,
रेफरेंस अगर है तो उनको अलग से रख रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर आपका रेफरेंस है तो इन सब चक्कर में मत जाओ, सीनियर है उनसे बात कराओ, वो HR से कॉन्टैक्ट करके डायरेक्ट कुछ कर सकते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस वर्क करता है क्योंकि इंटर्नशिप है, नॉन पेड, कोई पेड वेड नहीं होगा, आप सबको कुछ मिलेगा नहीं, तो वो इंटर्नशिप देते हैं। इंटर्नशिप देना एज पर द गवर्नमेंट रूल इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ ड्यूटी ऑफ एनी इंडस्ट्री और एनी हॉस्पिटल। नेक्स्ट मैं बात करूंगा उन स्टूडेंट्स के लिए जो इसके बाद मार्केटिंग में जाना चाहते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल बीफार्म कर रहे हैं, बीफार्म के बाद वो लोग मार्केटिंग में जाना चाहते हैं, तो मार्केट को हम लोगों को एक्सपोज करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि मार्केट हम लोगों के लिए बहुत ही नया होगा। फार्मेसी मार्केट की बात कर रहा हूँ, इवन हम लोगों के पास मार्केटिंग एक्सपीरियंस कुछ हो तब भी, फार्मेसी मार्केट इज डिफरेंट, मेडिसिन मार्केट इज डिफरेंट। तो मेडिसिन का जो मार्केटिंग सिस्टम है, जो चेन है, जो एल्गोरिदम है, ये समझना पड़ेगा हम लोगों को। ये समझने के लिए एक ही तरीका है, क्योंकि हम लोगों का मार्केटिंग के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है बीफार्म करते टाइम। जैसे हम लोग कुछ पढ़ाया जाता है, थोड़ा सा भी हम लोग इंटरेस्ट आता है कि हाँ मुझे इसी में जाना है, तो मुझे इमीडिएटली उसका जो बाद का सेमेस्टर है वहाँ पे जाना होगा किसी भी मार्केटिंग एजेंसी, मतलब किसी भी मार्केटिंग कंपनी, फार्मेसी मार्केटिंग कंपनी, इवन इंडस्ट्रीज में भी है, ठीक है। एग्जांपल मैं ले लूँ तो अपेलो फार्मेसी बहुत बड़ा मार्केटिंग है उनका, बहुत बड़ा चेन है। एमक्यू फार्मास्यूटिकल्स आप सबको पता है इसके बारे में। तो इन सारे मार्केटिंग कंपनीज में आप लोग एज अ मार्केटिंग इंटर्न जॉब कर सकते हो, अगर आप लोग मार्केटिंग में जाना चाहते हो। नेक्स्ट वो स्टूडेंट्स जिनको क्लिनिकल रिसर्च में इंटरेस्ट है या फिर क्लिनिकल ट्रायल में इंटरेस्टेड है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं अभी जो बीफार्म के बाद लाइक अ ड्रीम कि हम लोग क्लिनिकल रिसर्च सेक्टर में जाएंगे आफ्टर बीफार्म। स्पेशली मैं बात करूँ तो क्लिनिकल ट्रायल में, तो किसी भी आप लोग CRO कंपनी में, मतलब क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में, वो नेशनल, वो इस इंडिया का हो कि बाहर का किसी भी हो, आप लोग कर सकते हो एज एन इंटर्नशिप इन CRO डिपार्टमेंट, मतलब क्लिनिकल रिसर्च डिपार्टमेंट पे आप लोग कर सकते हो। इसका भी प्रोसेस सेम है, आपको बस इंडस्ट्री ढूंढना पड़ेगा, मतलब आपको कंपनी ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा कंपनी ऐसा है, आप लोग गूगल करके इजीली ढूंढ सकते हो ये सब। एंड उनका HR का मेल लेना है आपको, उस कैसे मेल करते हैं यूट्यूब देख सकते हो आप लोग, या फिर डायरेक्टली भी मेल थ्रो कर सकते हो आप लोग, वहाँ पर अगर रिप्लाई आता है तो यू कैन गो फॉर एन इंटर्नशिप टू देयर कंपनीज। इसके बाद आता है सबसे स्पेशल पॉइंट, कुछ मेन इंटर्नशिप्स हैं जो गवर्नमेंट इंटर्नशिप होते हैं एंड सबसे बेस्ट इंटर्नशिप होते हैं कुछ। ये तो एकदम ही मेन फॉर्मेट चला गया हम लोग, यहाँ पे आते हैं थोड़ा सा अलग टाइप का, जो थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपोजर करना चाहते हैं बी फार्म लेवल से थोड़ा सा ऊपर, उनके लिए है। जिनके मैंने पहले भी मैंने बात किया अबाउट DRDO, जहाँ पे हम लोग न्यूक्लियर मेडिसिन के बारे में रिसर्च कर सकते हैं या फिर मतलब इंटर्नशिप कर सकते हैं जो इंटरेस्टेड है ऑब्वियसली। कैंसर डिपार्टमेंट में आप लोग टाटा जो फंडामेंटल रिसर्च है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, या फिर TFIR में आप लोग कर सकते हैं इंटर्नशिप एज अ फार्मासिस्ट स्टूडेंट, वहाँ पे भी जा सकते हैं। नाइपर में बहुत सारे प्रोजेक्ट चलते हैं, नाइपर में समर इंटर्नशिप बहुत फेमस है, नाइपर में आप लोग कर सकते हैं एज अ समर इंटर्नशिप। जो भी चल रहा है मतलब प्रोजेक्ट, किसी के अंडर आपको इंटर्नशिप दिया जाएगा, ठीक है। बहुत सारे नाइपर में डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट चलते हैं। इसके बाद भुवनेश्वर की बात करें तो वहाँ पे IIT NIMS का एक कॉम्बाइनिंग है, वहाँ पे भी इंटर्नशिप कर सकते हैं आप लोग। डायबिटीज स्पेशलिस्ट, मतलब जो डायबिटीज़ के पेशेंट है, डायबिटीज़ के मेडिसिन है, उसको लेकर एक इंटर्नशिप होता है हर साल में, वो भी आप लोग कर सकते हो। इसको छोड़ के भी बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, इवन मोर देन हॉस्पिटल लाइक ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिसिन रिसर्च। इसके साथ साथ बहुत सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड अदर मेडिकल सेक्टर में बहुत सारे इंटर्नशिप होते हैं। इनके बारे में एक वीडियो में बताना थोड़ा सा मुश्किल है, अलग अलग वीडियो हो सकते हैं इसके बारे में। मैंने DRDO के लिए वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, DRDO, ISRO, ठीक है, TIFR, इनमें अगर आप इंटर्नशिप करना चाहते हो तो कर सकते हो, बहुत अच्छा मौका है। लेकिन ये ऐसा नहीं कि हर साल सेम प्रोसेस में आते हैं, इनका एक टाइमिंग रहता है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, मतलब ये एज अ प्रोजेक्ट बेस चलता रहता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई स्पेसिफिक टाइम है या फिर स्पेसिफिक कुछ वीडियोस है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन सारे जगह पे इंटर्नशिप करने के लिए आपको सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है वो है अपडेट रहना पड़ेगा, अपने आपको अपडेट रखना पड़ेगा। कब इनका वो इंटर्नशिप का फॉर्म निकल रहा है, कब जा रहा है, कब अप्लाई करना है, क्या कुछ प्रोसेस है, सारा कुछ आपको पता लगाना है, ठीक है। मैं तो हुई, ये तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन आप लोगों को भी खुद को एक सिंसियरिटी रखना है कि मुझे इस जगह पे इंटर्नशिप करना है। सपोज TIFR में आपको TIFR के वेबसाइट्स में ध्यान रख के जाना है कि ऐसा 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 कब क्या हो रहा है वहाँ पे, ठीक है, तभी आप लोगों को इन सारे स्पेशल इंटर्नशिप के बारे में पता चलेगा। ऑल्दो नाइपर में करना बहुत ईजी है, नाइपर हैदराबाद में, नाइपर मोहाली में एंड अहमदाबाद में, इन सारे जगह पे फिलहाल होते हैं, बाकी सारे का अभी पता नहीं मुझे। तो हैदराबाद का जो इंटर्नशिप है वो बहुत फेमस है, सभी लोग करते हैं, हर साल वो आते हैं, तो आप लोग चाहे तो ट्राई कर सकते हो, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो, आई होप आप सबको अच्छा लगा वीडियो एंड इन्फॉर्मेशन भी। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जल्दी से 10K सब्सक्राइब कर दो, बहुत लेट हो रहा है, क्योंकि जब तक 10K सब्सक्राइब नहीं होता मैं एडमिशन के ऊपर नहीं जा रहा हूँ, मैं इसी तरीके का वीडियोस बनाता रहूँगा। ऑल दो बहुत सारे एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है, तो वीडियोस उनके ऊपर बना रहूँगा। जल्दी से 10K सब्सक्राइब कर दो एंड थैंक यू सो मच।